अगार-गार स्टोरीज। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। पूरे कमरे की दीवारों पर कई सारे क्रूसीफिक्सेस यानी क्रॉस के निशान गड़े हुए थे। कमरे में एक पुराने जमाने का बेड भी था जो टूटकर चारों ओर बिखरा हुआ था। अंदर से सीलन की बहुत तेज गंध आ रही थी और यहाँ का वातावरण भी बर्फ की तरह ठंडा था। अचानक मेरे सर में तेज दर्द होने लगा और मुझे चक्कर आने लगे। मैं कमरे से बाहर निकला और दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसके बाद मैं जैसे तैसे अपने कमरे में आया और वहाँ पहुँचते ही गश्त खाकर पलंग पर गिर गया, जिसके बाद मेरी नींद अगली सुबह खुली। मैं नहा धोकर नीचे गया जहाँ माइकल एक कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। उसने बिना मेरी ओर देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग फादर मर्फी, आपकी कॉफ़ी किचन में रखी है। मैंने अपनी कॉफ़ी ली और डाइनिंग रूम में आया। कल रात की घटना अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। तभी मैंने माइकल से पूछा, क्या कल रात को तुम ऊपर वाले बेडरूम में सोए थे? मैं कभी ऊपर वाले रूम में नहीं सोता हूँ, माइकल ने जवाब दिया। मैंने अपना सर खुजाया और पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? तभी माइकल ने अपना अखबार नीचे किया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए एक दबी आवाज़ में कहा, मैं अपने सोने की जगह जानता हूँ। मैं यहाँ का केयरटेकर हूँ, ना मैं किसी की जगह लेता हूँ, ना कोई मेरी जगह ले सकता है। ये कहकर वो फिर से अखबार पढ़ने लगा। मुझे उसकी बात थोड़ी अजीब लगी, हालांकि मैंने इसे इग्नोर करते हुए उससे कहा, शायद कल रात मैंने हॉलवे के आखिरी छोर पर किसी को देखा था और मुझे लगा वो तुम थे, जिसके बाद मैंने उसका पीछा किया और तभी जोनाथन। इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोल पाता, मुझे माइकल ने बीच में ही टोक दिया। देखो, मैंने तुम्हें कहा था मैं इस तरह की किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगा और ना ही इस तरह के मुद्दों पर डिस्कस करूंगा। तुमने रात को जो कुछ भी देखा वो केवल तुमसे ही संबंधित है, इसलिए तुम इसे अपने तक ही रखो। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ऊपर गया और हॉल से होकर उसी रूम में पहुंचा जहां कल रात वो घटना हुई थी। दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर पूरा कमरा खाली था। वहां कुछ भी नहीं था, ना तो कोई क्रॉस का निशान, ना ही कोई टूटा हुआ पलंग। अब मैं थोड़ा अचंभित था। मैंने दरवाज़ा बंद किया और मैं दोबारा नीचे आया, लेकिन वहां माइकल नहीं था। डाइनिंग रूम के दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ था जिसमें लिखा था, मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए गांव में जाना है, मैं जल्दी ही लौटूंगा, माइकल। माइकल के जाते ही मैं अपने रंग में लौट आया था। मैंने सोचा यह अच्छा मौका है इस चर्च की छानबीन करने का, इसलिए जब तक माइकल नहीं आ जाता मैं चर्च के अंदर और बाहर दोनों तरफ तहकीकात करूंगा। मैंने अपनी कमर कस ली थी, लेकिन आने वाले कुछ घंटे बहुत ही अजीब से बीते। पूरे हॉलवे में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। चर्च के गलियारों और हॉल में रखे कई सारे शीशों में मैंने बहुत से धुंधले चेहरे देखे जो कुछ पल रहते और फिर मिट जाते। मैं जानता था कि यहाँ कुछ गड़बड़ ज़रूर है और रात को जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वो मेरा वहम नहीं था। मैं चर्च से बाहर निकला और कब्रिस्तान में बनी कब्रों का मुआयना करने लगा। उनमें से कई सारे नाम लाइब्रेरी में रखी उस किताब में भी लिखे हुए थे। मैंने आज पूरा दिन इसी में बिता दिया था। अब शाम होने वाली थी और अभी भी कई सारी जगह देखना बाकी थी। माइकल कभी भी वापस आ सकता है, मुझे जल्दी करना होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि चर्च के बाहर कोहरा धीरे धीरे घना होने लगा। अब सूरज भी ढलने वाला था। कुछ ही देर में कोहरा इतना ज़्यादा घना हो गया था कि मुझे चर्च का मेन डोर ढूंढने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। अब तहकीकात करने के लिए केवल एकमात्र जगह बची थी, वो थी चर्च का बेसमेंट। बेसमेंट चर्च की किस जगह पर था मैंने उसका नक्शा उस किताब में देखा था। उसका एंट्रेंस मेन हॉलवे से होकर ही जाता है जो चर्च के मध्यभाग में बनी एक मूर्ति के पीछे है। कल माइकल मुझे दाहिनी ओर से ले गया था, आज मुझे बाहिनी तरफ जाना है। माइकल अभी तक वापस नहीं लौटा था, इसलिए बेसमेंट की पड़ताल करने का यही सही मौका था। मैं हॉलवे से होकर बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंचा जो बाहिनी गलियारे के बिल्कुल आखिरी छोर पर था। यहाँ का दरवाज़ा लॉक था, उस पर सुनहरे रंग का हत्ता लगा हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही यहाँ से नीचे की ओर जाती हुई सीढ़ियाँ थी जिनके आसपास शेल्फ्स बनी हुई थी। इसमें कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी
और इसलिए वहां पर पूरी तरह अंधेरा नहीं था। मैं सीढ़ियों से होकर नीचे की ओर जाने लगा। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम स्टेयरकेस पर रखा ही था कि मेरे पैरों के नीचे से लकड़ी के चरमराने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि ये सीढ़ियाँ किसी भी पल टूट सकती है। मैं आगे बढ़ा। मैं अभी 20 से 30 स्टेप्स नीचे उतरा ही था कि सीढ़ियाँ घुमावदार होने लगी और कुछ कदम और नीचे उतरने के बाद सीढ़ियाँ खत्म हो गई। मेरे सामने सीमेंट का एक फ्लोर बना था जहाँ से एक रास्ता जा रहा था। उसके बाहिनी दीवार की शेल्फ्स पर कई सारी वाइन्स की बोतल रखी थी और दाहिनी दीवार पर कुछ मोमबत्तियाँ जल रही थी। एक पल मैंने सोचा, क्या इन मोमबत्तियों को माइकल ने जलाया है और वो क्या अक्सर यहाँ नीचे आता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरी गट्स फीलिंग कुछ और ही कह रही थी। मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ा जो कुछ ही दूरी पर समाप्त हो गया और अब मेरे सामने था एक बड़ा सा हॉलवे जहाँ बहुत सारी मोमबत्तियाँ जल रही थी। ये ऊपर वाले हॉलवे की हूबहू कॉपी लग रहा था, बस फर्क ये था कि ये ज़मीन से लगभग 100 फीट नीचे था। मैं दो कदम आगे चला और मैंने अपने ऊपर देखा। वहाँ का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जो मैंने सामने देखा वह कल्पनीय था। हॉल की गोलाकार सीलिंग पर कई सारे भित्ति चित्र और पेंटिंग्स लगी हुई थी और उन सबके नीचे एक ही नाम लिखा था, एम मार्टिन वॉकर हेलिगन। और तभी अचानक वहाँ का सारा नज़ारा बदल गया। ऐसा लगा मानो मैंने शराब के कई सारे पैग लगा लिए हो और मैं पूरी तरह नशे में हूँ। हॉलवे की सीलिंग्स पर कई सारे लोग लटके हुए थे। मौत उन्हें अपने आगोश में ले रही थी। उनमें से कई सारे चर्च के पादरी थे जो खुद का ही गला दबा रहे थे। उनमें से कईयों की गर्दन पूरी तरह घूम गई थी और वह दर्द में चीख रहे थे। उनका मौत पर कोई बस नहीं था। उनमें से एक पतले चेहरे और लंबे बालों वाला पादरी भी था जो सीधे मेरी आंखों में देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो मुझसे मदद की गुहार लगा रहा हो और वो काफ़ी दर्द में था। उसकी आंखें बाहर निकल आई। मैंने उसे देखा। मेरे मुंह से निकला, डैनियल, फादर डैनियल। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब सच था या केवल मेरा दृष्टि भ्रम। पूरे हॉल में केवल लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। मैं पूरी तरह सदमे में था और कहीं ना कहीं मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया कि डैनियल के साथ क्या हुआ था। मैंने अपने दाहिनी ओर देखा जहाँ एक रूम बना था। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने कल रात को देखा था। माइकल ने मुझे पहले ही बेसमेंट में ना जाने की चेतावनी दी थी। मैं अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक एक काले और विशाल धुंध का गुबार सीलिंग से निकलकर मेरी ओर बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड्स में उसने मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया। अब मैं अपने दिमाग का संतुलन खोता जा रहा था। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे मेरी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ किसी ने सोख ली हो और मुझे नरक की अनुभूति होने लगी थी। मेरा चेहरा और शरीर की त्वचा गर्म होकर जलने लगी। मैं अपनी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था। कुछ ही पलों में सब कुछ बर्फ की तरह ठंडा हो गया। अब मैं हड़बड़ाता हुआ दोबारा ऊपर जाने के लिए स्टेयरकेस ढूंढने लगा। पूरे हॉल में केवल वो काली धुंध ही छा रही थी। तभी मैं एक दीवार से टकरा कर नीचे गिर गया। मेरा शरीर पसीने से लथपथ था और मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ हो गई थी। मुझे महसूस हुआ कि अब मैं नहीं बचूंगा। तभी मेरे आंखों के सामने से धुंध में से एक साया प्रकट हुआ। उसका चेहरा और हाथ पैर बहुत ही पतले थे। उसे देखकर मैं धीमी सी आवाज़ में फुसफुसाया, फादर डैनियल। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो मेरे और नज़दीक आ चुका था। उसने मुझे देखकर एक ठहाका लगाया। उसकी हंसी मेरे कानों को चुभ रही थी। अब मुझे घुटन होने लगी। मेरी आत्मा शरीर का साथ छोड़ने ही वाली थी। तभी उस साए ने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा जो बर्फ की तरह ठंडा था। वो मेरे और करीब आया और बोला, फादर मर्फी, मैंने आपको नीचे आने के लिए मना किया था। यह माइकल की आवाज़ थी। मैंने उसका चेहरा देखा जो बहुत ही भयानक हो गया था। मेरे सामने एक मुर्दा खड़ा था जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम आखिर में कौन हो माइकल? उसने मेरी आंखों में देखा और उसके मुंह से एक डरावनी हंसी निकली। उसने मुझे एक विपत्स मुस्कान देते हुए कहा, फादर मर्फी, आपने इस किताब में चर्च के बारे में सब कुछ पढ़ा,
लेकिन शायद ये उस किताब में नहीं लिखा था कि मरने से पहले उस पादरी ने इस चर्च को श्राप दिया था कि उसकी मौत के बाद जो भी इस बेसमेंट में आएगा और उसके भित्ति चित्रों को देखेगा, उस पादरी के प्रेत का प्रकोप उस व्यक्ति पर टूट पड़ेगा और उसे बहुत ही बुरी मौत मिलेगी, क्योंकि मार्टिन हेलिगन को इसी बेसमेंट के हॉलवे में लटकाया गया था। तुम्हारा दोस्त फादर डैनियल खुशकिस्मत था जिसे बहुत ही आसान मौत मिली, वरना उसे भी कई दूसरे लोगों की तरह ऐसी भयानक मौत मिलती जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन तुम यहाँ नीचे कैसे आए माइकल? मैंने उसके भयानक चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। फादर मर्फी, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे क्या कहा था कि मैं यहाँ का रखवाला हूँ और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता, ये चर्च मेरा है। तभी मेरे दिमाग में चल रहे सवालों के जवाब एक एक करके मिलना शुरू हो गए और सारी पहेलियाँ आपस में जुड़ने लगी थी। इस चर्च का रखवाला, यहाँ का केयर टेकर जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, उन पेंटिंग्स के नीचे लिखे चित्रकार का नाम और ये बेसमेंट जहाँ उस हैवान पादरी को फांसी पर लटकाया गया था, मेरे मुंह से निकला, यानी कि तुम। और तभी उसने जोर से ठहाका लगाया। हाँ जोनाथन, मैं ही हूँ और मेरा पूरा नाम है माइकल मार्टिन वॉकर हेलिगन। उसके मुंह से ये सुनकर मेरे शरीर का बचा कुचा खून भी सूख गया। मैंने उससे हड़बड़ाते हुए पूछा, तो फिर वो कौन था जिसने चर्च के दरवाजे पर मेरा स्वागत किया था और जिसके साथ मैं पिछले 2 दिन से रह रहा हूँ? वो साया फिर से हंसा और बोला, वो तो जस्टिन है, बेचारा मेरे रहमो करम पर जी रहा है। उसकी आवाज़ बहुत ही कर्कश थी जो सुई की तरह मेरे कानों में चुभ रही थी। अब मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। मैंने उससे पूछा, तो क्या अब मैं मरने वाला हूँ? उसने ठहाका लगाते हुए कहा, शायद नहीं, क्योंकि तुम डेनियल से भी ज्यादा खुशकिस्मत हो। मेरे स्वरूप को देखकर तुम मरोगे तो नहीं, लेकिन क्योंकि मैंने तुम्हें छू लिया है इसलिए इसका असर तुम पर जरूर होगा। अपने भगवान को शुक्रिया अदा करो और यहां से दफा हो जाओ, और फिर यहां पर कभी मत लौटना, क्योंकि शायद अगली बार तुम इतने खुशकिस्मत ना रहो। अचानक उसका मुंह खुला और उसके मुंह से एक कर्कश दहाड़ निकली और देखते ही देखते मैं कुछ ही पलों में अचेत हो गया। और जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। जस्टिन मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, आप वाकई में खुशकिस्मत हैं जो बच गए। वैसे डॉक्टर के मुताबिक आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह नहीं। आपका दाहिना हिस्सा धीरे धीरे करके ही नॉर्मल होगा, लेकिन इसमें कितना समय लगेगा ये नहीं पता। मैंने अपने कोट की जेब को टटोला जिसमें मुझे वही नोट मिला जो डाइनिंग रूम के दरवाजे पर लगा था, और उसमें भी माइकल के जगह जस्टिन का नाम ही था। मैंने अचंभे से जस्टिन की ओर देखते हुए कहा, मेरे साथ हमेशा से तुम ही थे, यानी मैं जब से उस चर्च में आया था तब से ही मैं पूरी तरह भ्रमित था। उस चर्च में मेरे साथ तुम ही थे, लेकिन मुझे बस माइकल ही दिख रहा था और केवल वही सुनाई दे रहा था। क्या अब मुझे अपने दिमाग का भी इलाज करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप पूरी तरह से नॉर्मल हैं, जस्टिन ने जवाब दिया। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप चर्च के मायाजाल के प्रभाव में थे। तुम इतने सालों से वहां पर हो, उसने आज तक तुम्हें क्यों नुकसान नहीं पहुंचाया? मैंने बड़ी ही जिज्ञासापूर्वक जस्टिन से पूछा। जस्टिन ने कहा, वो मुझे इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाता है क्योंकि मैं वहां की देखरेख करता हूं और उसे ये चर्च बहुत प्यारा है। अगर कोई भी उस चर्च में नहीं रहेगा तो वो दूसरों को अपनी मौजूदगी का एहसास कैसे करवाएगा? जब मैं शाम को वापस लौटा था तो आप मुझे कहीं भी नहीं मिले, और इसीलिए मैं आपको बेसमेंट में ढूंढने आया जहां पर आप बेहोश पड़े थे, जिसके बाद मैं आपको ऊपर ले आया और फिर हॉस्पिटल में। अब मैं उम्मीद करता हूं फादर मर्फी कि आपको अपनी सारी बातों के जवाब मिल गए होंगे, जस्टिन ने मुझसे पूछा। हाँ, लेकिन सिवाय एक सवाल के, उसने मेरी ओर देखा और काफी उत्सुकता से पूछा, आखिर वो क्या सवाल है? उस हैवान पादरी के प्रेत ने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? जस्टिन ने अपना गला साफ करते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि आपका उद्देश्य उसे चुनौती देना नहीं बल्कि अपने दोस्त की मौत की वजह जानना था। आप यहाँ एक अच्छे उद्देश्य से आए थे, ना कि किसी को परेशान करने। नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ही शक्तिशाली होती है, लेकिन अच्छाई से वो कभी नहीं जीत सकती। वो आपको परेशान कर सकती है लेकिन आप पर कभी हावी नहीं हो सकती। अफसोस की बात है कि फादर डैनियल यहाँ हेलिगन को चुनौती दे रहे थे,
और उनका ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें ले डूबा। मुझे यहाँ तक सुरक्षित लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिन, मैंने उससे कहा। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए, जस्टिन ने जवाब दिया। जस्टिन चाहे कुछ भी कहे, लेकिन 1000 साल पुराने उस चर्च की घटना अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी, जिसे इस जन्म में भूलना तो बहुत ही मुश्किल होगा। Subscribe for more horror stories in Hindi only on Agog.